इस देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व के साथ कहता है, जब हम एक कदम चलते हैं, जब एक कदम चलते हैं तो हमारी जो चल लेगी 135 करोड़ कदम चल देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये 135 करोड़ लोग इस संविधान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़े हुए थे, जैसे इस देश की फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच का पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर हम लोगों ने 75 साल में अगर 1 करोड़ लोगों को वैज्ञानिक रूप से पढ़ा दिया होता, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच से पढ़ा दिया होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पढ़ा दिया होता, तो इस देश का विकास कितना हो गया होता। दलितों के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस देश के अंदर ये एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों को गुमराह किया गया है। और जब भी अधिकारों की बात आती है तो ऐसे लोगों को जब भी इकट्ठे होते हैं इस नाम पर वो तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे होते हैं तो अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों का आंदोलन होता है तो वो शेड्यूल कास्ट लोगों की बात कही जाती है। इसी प्रकार से बैकवर्ड की बात होती है तो बैकवर्ड की बात की जाती है, अगर माइनॉरिटीज की बात की जाती है तो माइनॉरिटीज की बात की जाती है, और जब दलित की बात की जाती तो कहीं भी कोई बात ढंग से संवैधानिक संस्थाओं में कोई बात नहीं कही जाती। इस देश के 70-74 साल के बाद भी इस देश के नागरिकों के बीच से इस देश के संविधान के द्वारा एडॉप्ट की गई प्रेमिल को, इस व्यवस्था को, संविधान को अडॉप्ट नहीं किया गया है, तो ये लोग देश के सबसे बड़े शत्रु है, देश के सबसे बड़े गद्दार है, और देश के सबसे बड़ा शोषण करने वाले लोग हैं, देश को मिसलीड करने वाले लोग हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर हम सोवराइन व्यवस्था कर रहे हैं, इस देश को हम संप्रभु बना रहे हैं, इस देश के बाहर के लोग जो इस देश के अंदर रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, उनसे भी ये भारत का जो संविधान है वो ऊपर है, और जो इस देश के अंदर लोग रहते हैं उनसे भी भारत का संविधान ऊपर है। जब भारत का संविधान के अंदर जो भी लोग रहते हैं, हर संविधान सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इस देश के अंदर देखा गया है कि लोग संविधान को जला भी देते हैं। इसका मतलब उन्होंने इस देश के अंदर आतंकवादी जैसी गतिविधियां की हैं, देशद्रोही जैसे कार्य किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस देश के अंदर नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये सीधा दिखाई देता है कि हम संविधान को, इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हमें उन लोगों से सावधान करना होगा, हमें देश के नागरिकों को संविधान को सावधान करना होगा। हमें संविधान कहता है कि हमें इस देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनानी है, इस देश के समाजवाद लाना है। क्या हम 74 साल में हम समाजवाद ला पाए हैं? क्या इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी की जो खाई है जो हम उसे पाट पाए हैं? क्या इस देश के अंदर जो व्यवस्था की गई थी कि इस देश के अंदर ब्रदरहुड होना चाहिए, क्या हम ब्रदरहुड डेवलप पाए हैं? क्या ह्यूमनिटी डेवलप कर पाए हैं? क्या यूनिट इंटीग्रिटी डेवलप कर पाए हैं? यदि नहीं कर पाए तो इस देश के अंदर सोशलिस्टम जात की बात की जो कहा गया था वो दिखाई नहीं देता है। इस संविधान में कहा गया कि इस देश के अंदर हमको हमें यूनिट इंटीग्रिटी की बात करनी है, एकता अखंडता की बात करनी है, और सेकुलरिज्म लाना है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि इस देश के, भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो सारे धर्म का तो सम्मान करता है, और हर धर्म के लोगों को इस देश के अंदर रहने का अधिकार है, अपने कार्य करने का अधिकार है, अपने विकास करने का अधिकार है। लेकिन इस देश का जो संविधान है उसका व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है, और आज इस देश के अंदर हर आदमी चाहता है कि इस देश को कोई हिंदू धर्म से चलाना चाहता है, कोई ईसाई धर्म से चलाना चाहता है, कोई पारसी धर्म से चलाना चाहता है, किसी धर्म से चलाने की जिम्मेदारी हम लोग चलाए रह रहे हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है इस देश के अंदर, जो बाबा साहब डॉक्टर को मानते हैं, फूले को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, या इस देश को बेहतर देश बनाना चाहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश के को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इस संविधान प्रेम बिल में कहा गया कि इस देश के अंदर हमें इस देश के अंदर हमें डेमोक्रेसी डेवलप करनी है, हमें डेमोक्रेसी डेवलप करनी है, जहां लोग मिलकर लोगों की व्यवस्था चलाएं। लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, लेकिन 70 साल में इस देश के अंदर वोटों को जो चलाने का जो अधिकार था, जो इसे एक
हमारे इंस्टीट्यूशन बनाया था इलेक्शन कमीशन, उसकी कुछ योजनाएं और इस देश के कुछ पूंजीपतियों की योजनाएं इस देश में इस तरह से लागू की गई कि इस देश को पूंजीवाद की तरफ के तो चला गया। और इस देश के अंदर जो लोग आम आदमी को वोट देने का उद्देश्य था, इस देश के अंदर आम आदमी MLA बन सके, MMP बन सके, इस देश का विकास कर सके, इस देश की जो गरीबी है उसको दूर कर सके, उस काम को नहीं हुआ कर पाए। इस देश के अंदर संविधान में कहा गया कि इस देश के अंदर जस्टिस होना है, क्या 70 साल में हम लोग इस देश के अंदर जस्टिस दे पाए हैं? क्या हम गरीबी दूर कर पाए हैं? क्या जो लोग असमानता थे, अशिक्षित थे, उनको हम न्याय दे पाए हैं? क्या हम जो पॉलिटिकल पावर में जो लोग आए हैं, क्या वो लोग बाकी लोगों को न्याय दे पाए हैं? अगर न्याय नहीं दे पाए हैं तो 70 साल में आज ये सोचने का दिन है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। हम क्या 70 साल में हम सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल पावर मिल पाई है? हमें सोचने का स्वतंत्रता की बात कही गई थी कि हर आदमी सोच सकता है और सोच के साथ अपनी बिलीफ के हिसाब से इस देश के अंदर पालन संविधान के अनुसार इस पालन कर सकता है। क्या इस देश के अंदर लोग क्या वास्तव में अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन कर पाने में समर्थ हैं? क्या इस देश के अंदर आज भी लोगों को 74 साल के पीरियड में संविधान लागू होने के बाद भी क्या वास्तव में हम ऐसा समाज बना पाए जिसमें भय मुक्त होकर के हर व्यक्ति इस देश के अनुसार काम कर सके? इस देश के अंदर संविधान में यूनिट इंटीग्रिटी की बात की, जैसे वकील साहब ने कहा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की भी इंटीग्रिटी की उतनी वैल्यू है और आम आदमी की, पूरे देश की भी इंटीग्रिटी की बात उतनी है। लेकिन इस देश के अंदर आज भी जातिवाद दिखाई देता है, क्षेत्रवाद दिखाई देता है। इस देश के अंदर संविधान कहता है कि यह जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी के भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 70 साल के पीरियड में हम लोगों को देखने को मिला है कि इस संविधान के अनुसार इस देश को नहीं चलाया गया है। अगर इस देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाया गया है तो क्या इस देश के लोगों की, जो इस देश के संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने अंदर से उन कमियों को निकालें? जो इस देश को संविधान के अनुसार चलाने के लिए जो लोग चला रहे हैं उनसे हमें थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। इस देश के अंदर मैं एक बात को बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर खासतौर से 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो देश के नागरिकों को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों को वो बात बुरी लगे, लेकिन उसमें सच्चाई यही है कि इस देश के अंदर एक शब्द का चालू किया गया कि इस देश के अंदर दलित लोग रहते हैं, इस देश के अंदर दलित लोग रहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कौन सी धारा में, कौन से आर्टिकल्स में दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया है? संविधान से में इसका कोई संवैधानिक कोई अर्थ नहीं है। संविधान में SC ST कमीशन बनाया गया है, SC ST लोगों के लिए बनाया गया है, बैकवर्ड कमीशन बनाया गया है, बैकवर्ड लोगों के लिए बनाया गया है, इधर हमें अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कहा गया है, लेकिन दलितों के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया है। क्योंकि इस देश के अंदर ये एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों को गुमराह किया गया है, और जब भी अधिकारों की बात आती है तो ऐसे लोगों को जब भी इकट्ठे होते हैं इस नाम पर वो तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे होते हैं तो अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों का आंदोलन होता है तो वो शेड्यूल कास्ट लोगों की बात कही जाती है। इसी प्रकार से बैकवर्ड की बात होती है तो बैकवर्ड की बात की जाती है, अगर माइनॉरिटीज बात की जाती है तो माइनॉरिटीज की बात की जाती है, और जब दलित की बात की जाती है तो कहीं भी कोई बात ढंग से संवैधानिक संस्थाओं में कोई बात नहीं कही जाती। इसलिए इस देश के लोगों को गुमराह होते रहे, इन सहसे शब्दों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा शब्द जिसे हम बहुजन शब्द कहते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुजन शब्द का भी कोई संवैधानिक अर्थ नहीं है। हमारे देश के कुछ लोगों ने इस बहुजन शब्द का इस्तेमाल इधर किया है, राजनीतिक रूप से भी किया है और सामाजिक रूप से भी किया है, लेकिन जब संवैधानिक अधिकार से की बात आएगी, संविधान की बात कही जाएगी, तो इसी प्रकार से उस शब्द से भी आप लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से इस देश के अंदर RSS के नाम से एक संस्था बनाई गई है, के नाम से किया गया, और वो तो एक आतंकवादी संस्था मानी जा सकती है। क्योंकि मानी जा सकती है क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और जो संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के इस देश के हथियारों का इस्तेमाल करती है, हथियारों की पूजा करती है और आतंक पैदा करती है, इसका मतलब इस देश के अंदर ऐसी जो संस्थाएं चल रही है और या इस नाम से संस्थाओं से जो गैर संवैधानिक संस्थाएं चल रही है, हमें निवेदन करूंगा कि हम ऐसी संस्थाओं का
धीरे धीरे करके आप लोगों को एक साथ अगर समझ में नहीं आता है तो धीरे धीरे करके इनसे दूर जाने की कोशिश करें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है, जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया है, उसके अनुसार इस देश को चलाने की बात करने की, सोचने की बात शुरू करनी चाहिए। अगर आप लोग इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो हर बार कोशिश की गई है कि आप जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है आप उस लक्ष्य से भूल जाए, आप अपने लक्ष्य से भटक जाए, आप ये भूल जाए कि इस देश का एस सी कमीशन इस शेड्यूल कास्ट के 16 लोगों के लिए 74 साल में क्या कर पाया है। अगर वो 74 साल में कर नहीं पाया है तो मैं पूछना चाहता हूं इस शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कितनी बार एस सी कमीशन के ऑफिस के बाहर जाकर के, उसके आयोगों के पास जाकर के कितनी बार प्रदर्शन किया है। मेरी समझ में आया, देखने को मिला है कि एक बार भी इस देश के अंदर इतने एस सी एस टी होने के बावजूद भी उन लोगों ने कभी भी एक बार भी अपने अपने खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में, अपने उनके अन्याय के बारे में कभी उस कमीशन से ही नहीं कहा गया। और कमीशन क्या करता है, कमीशन बनाए इसलिए गए कि उस देश के अंदर जितने समाज वो लोग रहते हैं उन लोगों की संख्या काउंट की जाए और संख्या काउंट करके ये पता लगाया जाए इन लोगों को रोजगार कितने लोगों को नहीं है, इनकी एजुकेशन कितने लोगों के लिए नहीं है, इन पर कितने अत्याचार होते हैं और इन अत्याचारों का समाधान कैसे किया जा सकता है, कितने कोर्ट बनाए जा सकते हैं, कितने जज बनाए जा सकते हैं और कितने वकीलों की व्यवस्था की जाए जिससे इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए। अभी खत्म कर रहा हूं सर। हां बोलो। तो ये कैसे इस समस्याओं का समाधान किया जाए, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कमीशन कैसे बनता है। कमीशन केवल 5 लोगों का बनता है और 5 लोगों के माध्यम से वो छोटे छोटे अपने क्षेत्रों में कमीशन के वो बनाए जाते हैं। राज्यों का कमीशन अलग होता है, सेंट्रल का कमीशन अलग होता है और जितने भी अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को निवारण के लिए वो डायरेक्ट भी एक्शन ले सकता है, वो FIR भी करा सकता है, वो DM को भी बुला सकता है, वो देश के किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके बुला सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने अत्याचार कैसे हुए हैं। लेकिन इस देश के अंदर देखने को मिला है ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को वास्तव में अपने अधिकारों की लड़ने की बजाय दो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे। लेकिन हम अगर इस देश के संविधान के माध्यम से अपनी मीटिंग करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताते हैं, इस देश के कमिश्नरों के बारे में बताते हैं, तो मैं समझता हूं इस देश की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस देश की समस्याओं को समाप्त करने के लिए इस संविधान ही एक ऐसी चीज है जो इस देश का संविधान ही हमें भारत के लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमें सम्मान दे सकता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को लिखा था और जब संविधान इस देश के अंदर एडॉप्ट किया गया था तो उस समय कहा गया था, दुनिया के अखबारों ने कहा था कि भारत के संविधान को लिखने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत को इस दुनिया के देशों से 1000 साल आगे कर दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन 74 साल में हम भारत के लोग कहां पर खड़े हुए हैं। अगर जो लोग इस देश के संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं, हम लोग उनकी बुराई करने के बजाय, उनकी समस्याओं पर करने के बजाय अगर हम अपने संविधान पर बात करने की बात करें, अपने अधिकारों पर बात करने की बात करें, अपनी समस्याओं पर बात करने की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कराता हूँ, हम जो लोग इस देश के अंदर जिनको सामाजिक रूप से पिछड़ा गया है, जातीय रूप से पिछड़ा गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा गया है, सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं, पॉलिटिकल रूप से वंचित रहे हैं, उन सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, उन सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, इस देश के अंदर जो वंचित लोग हैं उन वंचित लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और एकजुट होने का एक ही मात्र रास्ता है भारत का संविधान। और इस देश का कोई भी नागरिक भारत के संविधान के खिलाफ जाता है या भारत के संविधान के अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो देशद्रोही का काम करता है। इसलिए इस देश के अंदर अगर कोई आपका सही मायने में काम करने का प्लेटफॉर्म है तो भारत का संविधान है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस देश के अंदर वास्तव में आप अपने बच्चों के अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस संविधान के बारे में अपने घरों में पढ़ाने की आदत डालें। जैसे हम आप लोग अपने घरों में, बहुत सारे लोग देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं
बाबा साहब की मूर्ति न रखते हैं, सजा के रखते हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति सजा के रखते हैं। इसी प्रकार से भारत के संविधान को भी अपने घरों में रखने की आदत डालिए। अगर आपने इस संविधान को सजा के रखने की आदत डाल ली तो पहला फायदा क्या होगा कि आपने नहीं पढ़ा तो आपके घरों में पढ़ने की आदत हो जाएगी, आपके बच्चों को आदत पढ़ने की हो जाएगी, आपकी बीवी ने पढ़ लिया, आपके बेटे ने पढ़ लिया, आपके बहन किसी ने भी पढ़ लिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़ लिख करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, नेशनल स्तर पर इतना काम कर सकते हैं, वे इंटरनेशनल स्तर पर बड़ा इतना काम कर सकते हैं, अगर हमारे समाज के लोग भी मैं से भी पढ़ने लिखने की अगर प्रेरणा बाबा साहब से जाग उठी तो मैं सोचता हूँ तो इस देश के 1 अरब 33 करोड़ लोग कितना बड़ा काम कर, 35 करोड़ के लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व के साथ कहता है जब हम एक कदम चलते हैं तो हमारी जो चल लेगी 135 करोड़ कदम चल देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर ये 135 करोड़ लोग इस संविधान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़े हुए थे, जैसे इस देश की फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच का पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर हम लोगों ने 74 साल में अगर 1 करोड़ लोगों को वैज्ञानिक रूप से पढ़ा दिया होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच से पढ़ा दिया होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पढ़ा दिया होता तो इस देश का विकास कितना हो गया होता। साथियों हमें उस चीज को कल्पना करनी होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के एक बच्चे को वैज्ञानिक बना रहे थे और जो लोग इस देश के बच्चों को वैज्ञानिक बनाने से रोक रहे हैं वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस वाले हों या दूसरे कोई लोग हों या दूसरी ऐसी संस्थाएं हों जो लोगों को पढ़ने से रोक रही है। तो हम लोगों की ये ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरी ताकत के साथ इस संविधान के अनुसार लोगों को पढ़ाएं और विकसित करने की कोशिश करें जिससे एक मजबूत राष्ट्र बन सके।